नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा था वो स्नेक से रिलेटेड था, जिसमें हमने यह बताने की कोशिश की है कि सांप दूध नहीं पीता है, वह पानी पीता है लेकिन दूध नहीं पीता है। अगर सांप को हम जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ लोगों के मन में यह भ्रम है कि कुछ सांप ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कि जो धामन सांप होता है, धामन सांप, यह दूध पीता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि भाई कोई भी सांप हो वह दूध कभी नहीं पी सकता, क्योंकि हमने कहा ना कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सांप को दूध पीने पचाने के लिए उनमें रेनिन नाम का जो एंजाइम होता है वो नहीं पाया जाता है, और अगर रेनिन नहीं पाया जाएगा तो दूध का पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि जो रेनिन होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, फिर दूध का क्या होता है, उसका पाचन होता है, और यह सांपों में नहीं हो सकता। दूसरे बात पर अगर हम गौर करें तो देखिए, लोग कहते हैं कि भाई जो धामन सांप होते हैं वो गाय के पैर को बांध लेते हैं और उसके निप्पल से दूध को निचोड़ते हैं। आप सोचिए कि निप्पल से दूध को निचोड़ने के लिए आपके भाई जीभ चौड़े होने चाहिए, उसके बाद तालू होना चाहिए। क्या सांप के जीभ इतने चौड़े होते हैं? आप देखें कि सांपों का जीभ कैसा होता है, तो वो कैसे ये कर पाएगा? और वो तो अलग, उसको तो अभी हम अलग रखेंगे। तो दूसरी बात ये कि रेनिन पाया ही नहीं जाता उसमें, तो वो दूध को पचाएंगे कहाँ से? यह मिथ्या है भाई, यह पूरी तरीके से गलत है कि सांप दूध पीता है। और हम चूंकि यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में 3 से 4 सांप, जिसमें से आपका करैत हो गया, किंग कोबरा हो गया, रसल वाइपर हो गया, और आपका तीन सांप ऐसे हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, भारत में बहुत सारे सांप ऐसे हैं जो नॉन वेनमस होते हैं, जिनमें से एक धामन सांप भी है, ये भी नॉन वेनमस होता है, जिसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके अगर आपको धामन सांप काट रही है तो आप जा करके टिटनेस का जो इंजेक्शन लगता है, टिटनेस वाला लोहे वगैरह कटने से जो इंजेक्शन लगता है, आप बस उसको लगा लीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आप इस वीडियो में देखिएगा, यहाँ पे हमारे गुड्डू मौर्या सर ही हैं जो एक सांप को, और वो सांप है आपका धामन सांप, देखिए उस सांप को जो है कैसे ये पकड़े हुए हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। गुड्डू मौर्या सर, उनका नंबर भी है, आप इनके चैनल से जुड़ सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कैसे ये सांप को पकड़े हुए हैं। ये एक धामन सांप है जो लगभग इस समय हमारे अंदाज से 5-6 फीट के आसपास है, जिसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। और देखिए किसी कितनी आसानी से जो इस सांप को पकड़े हुए हैं। यह एक धामन सांप है जिसे येलो स्नैक, रेड स्नैक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुछ धामन के जो नीचे का पार्ट होता है वो रेड भी होता है। इसका पीला है, देखिए इस सांप का शरीर जो है पीला है, और देखिए ये सांप कुछ भी कर नहीं रहा है, पूरे इनके शरीर पर चढ़ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बाई चांस यह काट भी लेता है तो बस आपको ये काम करने हैं कि जो टिटनस का इंजेक्शन आता है उसे लगवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यह धामन सांप है जो एंटी वेनमस होता है, और लोगों में अफवाह यह है कि यह सांप जो है गाय के पैर को बांध करके उसका दूध पी लेता है। भाई यह पूरी तरीके से गलत है, यह पूरी तरीके से गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक और बात है, कई लोगों का कहना यह है कि जो सांप होते हैं वो अपने पूंछ से अगर किसी को मार दें तो वहाँ से शरीर है उस हिस्सा, वह हिस्सा क्या होता है, सड़ने लगता है, सड़ करके गिरने लगता है। भाई क्या है ये सब, मतलब इतना अफवाह, देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है। भाई आप देख सकते हैं कि ये जो है कई लोगों को इसकी पूंछ को टच करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके पैर पूंछ से छूने से या किसी को मार देने से शरीर या हाथ पैर सड़ने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अफवाह है। देखिए ये जो है इनके हाथ पे मार करके जो गांव वाले हैं, जो गांव के लोग हैं, उनके हाथों पर भी ये जो है सांप के पूंछ से मार रहे हैं, ताकि यह मिथ्या जो फैली हुई है वह ख़त्म हो सके। ये सब बकवास है कि सांप दूध पीता है, धामन के पूंछ से मार देने से शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, टूट करके गिरने लगता है, ये सब अफवाह की चीज़ें हैं, ठीक है। जो हमारा धामन सांप होते हैं, देखो भाई इनको जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये किसान के मित्र होते हैं, क्योंकि देखिए कई जगह ऐसा होता है ना कि कई जगह जो लोग जागरूक हैं वो लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों के आसपास जानबूझकर धामन सांप को छोड़ देते हैं, क्योंकि धामन सांप एक दिन में दसनों चूहे खा जाते हैं, इसलिए धामन सांप को किसान का मित्र भी कहा जाता है। चूहों को ये खाते हैं, सबसे ज़्यादा चूहा धामन सांप ही खाते हैं, मतलब एक धामन सांप जिसका आप वीडियो अभी देखे हैं वह एक दिन में 10 चूहों को खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, किसान की जो फसल है वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो भाई यह एक आपका नॉन वेनमस स्नेक होता है धामन सांप, और यह किसी भी गाय के भैंस के मतलब कि दूध को नहीं पीता है, सिर्फ यही नहीं कोई भी सांप हो वो दूध को नहीं पीता है। चलिए थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर किसी को सांप काट ले तो करना क्या चाहिए। दोस्तों अगर आप सांपों से जुड़े रहेंगे ना तभी आपको पता भी चलेगा, सांपों के बारे में जानकारी भी होगी कि हाँ कौन सा सांप काटा है। कई बार आप देखते होंगे कुछ झाड़ फूक वाले आते हैं, है ना, झाड़ फूक करते हैं और झाड़ फूक से कहते हैं कि भाई हमने ठीक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हमने कहा ना कि अपने यूपी में, हम यूपी में बिलोंग करते हैं, यूपी में जो है 3 से 4 सांप ऐसे हैं जो वेनमस हैं, जिसका नाम हमने आपको बताया भी। इसके अलावा कोई भी अगर आपको सांप काटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि अगर आपको वेनमस सांप भी काटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए झाड़ फूक वालों से होता क्या है कि उन कभी मान लीजिए कि हमको किसी सांप ने काट लिया, हम झाड़ फूक वाले के पास चले गए, ठीक है, हमारी जान बच गई, ठीक, उसने कहा कि भाई, लोग कहेंगे कि हाँ भाई झाड़ फूक से सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। झाड़ फूक से सही नहीं होने वाला, झाड़ फूक से सही तभी होता है जब नॉन वेनमस सांप काटा होता है। अगर आपको वेनमस सांप, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करैत, इन तीनों में से किसी ने अगर काट लिया, आप झाड़ फूक कराते रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी नहीं बचने वाली,
तो दोस्तों आप जागरूक होइए, जिसका हमने नाम बताया है गुड्डू मौर्य सर, आप उनके चैनल पर जाकर के उनके बहुत सारे वीडियो हैं उनका, वो एक रेस्क्यूअर हैं, वो रेस्क्यू करते ही हैं, वो स्नेक रेस्क्यूअर हैं, रेस्क्यू करते रहते हैं सांपों को उनके उनके वातानुकूलित वातावरण में उनको रिलीज करते रहते हैं। तो आप उनके चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करके उनसे जुड़ सकते हैं और सांपों के रेस्क्यू को, सांपों के बारे में वो हर वीडियो में बताते रहते हैं कि यह सांप है, ये सांप है, कौन जहरीला है, कौन बिना जहरीला है, वो सारी चीज़ों को जो है वीडियो में अपना बताते रहते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कभी भी अगर आपको सांप काटे ना तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि अब चाहे कोई भी सांप हो, अगर मान लीजिए कि आपको कोबरा ने काट लिया तब भी नहीं घबराना है भाई। आप जानते हो ना कि जब आप घबराएंगे तो आपका बीपी क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में वो क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, वो और तेज़ होगा। तो बाई चांस, खुदा ना खासा बाई चांस आपको अगर ब्लैक पिंक या अपने आप ज़्यादातर वो दिखने में आता है करैत या फिर वो जिसको हम लोग गेहमन बोलते हैं, अगर इन दोनों में से कोई काटता है ना तो भाई सबसे पहले उस जगह से दूर हट जाइए। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो तरह तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं कि सांप ने काट लिया मर जाएगा, ये हो जाएगा, इससे आप जब सुनोगे ना तो सुन करके आपकी घबराहट और बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, उन लोगों को, उन लोग अगर ऐसी कोई बात वहाँ पे कर रहा है ना तो उन्हें या तो शांत कराइए या भाई आप वहाँ से हट जाइए, ठीक है। उसके बाद दिमाग को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। और अगर जिस हिस्से पे काटा है, मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ये आपके हाथ पे मान लीजिए कि इस हिस्से पे इसने काट दिया, तो आप क्या कीजिए, जो इंजेक्शन आता है डिस्पोवेन जो आता है उसका आगे का नीडल निकालिए, हर जगह मिल जाएगा। जनरली कोई भी चौराहे वगैरह पे इंजेक्शन डॉक्टर बैठे रहते हैं जो इंजेक्शन वगैरह लगा सकते हैं, तो वहाँ जाइए आपको मिल जाएगा डिस्पोवेन, उसका आगे का नीडल निकालिए। और बाकी जो पीछे वाला हिस्सा, जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है, प्लास्टिक वाले हिस्से को ऐसे रखिए और ऐसे नीडल को खींचिए। जब खींचेंगे तो वहाँ पर थोड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा और जो अंदर का ब्लड है वो खींच करके बाहर आएगा, क्योंकि सांप जहाँ पे काटेगा वहाँ पे दो बाइट्स बनेंगे, अगर जहरीला सांप काटेगा तो दो बाइट्स बनेंगे, ठीक है। वहाँ से क्या कीजिए, आप इंजेक्शन को लीजिए, वहाँ पे रखिए और रख करके खींचिए, तो जो वहाँ का ब्लड है वो थोड़ा सा क्या हुआ, खींच करके बाहर आएगा। क्योंकि जब सांप काटता है तो उसका जहर ज़्यादातर उसी अभी तक वहीं से तक होता है, पूरी तरीके से बॉडी में फैला नहीं होता है। तो आप यह काम करेंगे थोड़ा सा ब्लड का जहर का इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पीछे, मान लीजिए कि यहाँ पर सांप ने काटा है तो इससे थोड़ा सा पीछे सूती कपड़े से, रस्सी से नहीं, सूती कपड़े से जो है, गमछा से सूती कपड़े से बांध दीजिए। बांधना है, बहुत टाइट भी नहीं बांधना है भाई, बांध देना है लेकिन बहुत टाइट नहीं बांधना है, ठीक है। और घबराना तो बिल्कुल नहीं, अगर आप घबराएंगे तो बीपी आपका बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से जो ब्लड में आपका पॉइजन है वो तेज़ी के साथ फैलेगा, तो वो नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों झाड़ फूँक के चक्कर में तो एकदम नहीं पड़ना है, झाड़ फूँक के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना है। आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए, सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल है या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आप पता करके रखिए कि कहाँ पर एंटी वेनम मिलता है। हालांकि सारे सरकारी हॉस्पिटल में एंटी वेनम रहता है, आप सदर में जाइए, अपने यहाँ के जिला अस्पताल में जाइए, वहाँ पर अगर सांप की जानकारी है कि इसे सांप ने काटा है तो उस सांप का नाम बताइए, उसका वेनम आप एंटी वेनम आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आप तभी ठीक होंगे, अदरवाइज आप ठीक नहीं होने वाले। हाँ, झाड़ फूँक से कब ठीक होंगे, जब आपको नॉन वेनमस स्नेक काटा हो, जब आपको नॉन वेनमस स्नेक काटेगा ना तभी आप झाड़ फूँक से ठीक होंगे, अदरवाइज ठीक नहीं होंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा और देखिएगा, ये सांप को लेकर के खेतों की तरफ निकल गए हैं हमारे गुड्डू मौर्य सर, और ये सांप को जो है खेत में रिलीज़ कर देंगे। आप देख सकते हैं सांप लंबा है काफ़ी, ये देखिए यहाँ से थोड़ा पास से देखते हैं, ये देखिए, देखिए कितना खूबसूरत सांप है, ये देखिए कितना खूबसूरत सांप है, जो इको फ्रेंडली भी है और किसान का तो मित्र है ही। तो गलती ये ना करें भाई कि इसको मारे ना। हमारे गुड्डू मौर्य सर का ही एक और वीडियो है जिनमें उनको जो है इस सांप ने काट लिया है, उसको देखते हैं। हालांकि बहुत लोग का मानना है कि सांप काट ले गए तो धामन सांप भी वेनमस होते हैं, ऐसा नहीं है। एक और वीडियो को दिखाते हैं, उसमें उनको जो है इसी सांप ने उनके यहाँ पे ऊँटों के पास काट लिया है, देखते हैं उस वीडियो को, आइए। ये देखिए दोस्तों, ये भी धामन सांप ही है, ये इनका दूसरा रेस्क्यू है। देखिए और देखिए ये जो है कैसे, ये देखिए कैसे मुड़ा और देखिए कहाँ काटा है, देखिए यहाँ पर ये काट चुका है। और देखिए यहाँ पे जब काटा है तो 3, 4, 5, 6 मतलब 6-7 जो है दांत के निशान बने हुए हैं, यहाँ से ब्लड आ रहे हैं। और जब आपको वेनमस स्नेक काटता है तो आपको दो ही निशान दिखेंगे, वेनमस स्नेक के काटने से दो ही निशान आपको दिखते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे निशान हैं, फिर भी ये फ्री हैं, फिर भी ये पूरी तरीके से फ्री हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाँ भाई हमें मारना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस ये करेंगे क्या, एक टिटनेस का इंजेक्शन लेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी सांप काटे घबराना नहीं है, घबराएंगे बीपी बढ़ेगा, अगर पॉइजनस सांप ने आपको काट लिया तब तो भाई बॉडी में क्या होगा, जहर और तेज़ी से फैलेगा। ये देखिए काफ़ी गांव वाले भी इकट्ठा हो गए यहाँ पे, ये देखिए ये जो है सांप को हाथ में लपेट कर दिखा भी रहे हैं कि ऐसे जो मिथ्या फैली हुई है कि इनके पूंछ से मारने से, पूंछ को छूने से शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है, झड़ने लगता है, ये अफवाह है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक साल पुराना वीडियो है, ये दोस्तों एक साल पुराना वीडियो है, और हमारे गुड्डू मौर्य सर अभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। अगर ऐसा होता कि हाँ पूंछ के टच होने से हाथ पैर सड़ने लगता है, झड़ने लगता है, अभी तक तो उनकी तबीयत डिस्टर्ब हो गई होती, लेकिन वो आज भी सांपों का रेस्क्यू करते हैं, उन्हें उनके अनुकूलित वातावरण में छोड़ते हैं,
और ये काम भगवान उनकी भाई ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों अभी तक आप तो गुड्डू मौर्य सर को देख रहे थे, ऐसे ही एक और स्नैक रिस्यूवर हैं जिनका भी यूट्यूब चैनल है, बापी दास स्नैक एक्सपर्ट हैं, वो भी यही काम करते हैं, वो भी स्नैक रेस्क्यू ही करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। उनका भी हम एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिनमें उन्होंने ये बताया है कि हाँ जो धामन सांप होते हैं वो पूरी तरीके से नॉन वेनमस होते हैं और वो भी दूध नहीं पीते हैं। और उन्होंने भी अपनी वीडियो में यह बताया है कि हाँ धामन सांप के पूंछ से लगने से टच होने से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। आइए दोस्तों उस वीडियो को देखते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये हैं हमारे बापीदा स्नैक एक्सपर्ट, आप देख भी सकते हैं इस पर लिखा भी है बापीदा स्नैक एक्सपर्ट। ये भी स्नैक आपका धामन ही है जो पूरी तरीके से नॉन वेनमस होता है। तो दोस्तों अगर आप सांपों से जुड़े रहेंगे तो सांपों के बारे में जानकारी होगी कि हाँ कौन सा सांप है, अगर नहीं जुड़े रहेंगे दूरी बनाएंगे मार देंगे कहाँ पता चलने वाला है कि हाँ कौन सा सांप है, वेनमस है कि नॉन वेनमस है। आप कोई भी हो मारने की जरूरत ही क्या है। आप देख सकते हैं देखिए ये भी जो है उसके पूंछ से अपने हाथ पे ऐसे मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ऐसे आप वहाँ मत पड़िए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और यह भी क्लियर हो गया होगा कि धामन सांप भी दूध नहीं पीता है और उसके पूंछ से लगने से कोई खतरा नहीं है, और अगर स्नेक बाइट करे तो हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक तथ्य के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।